नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में की गई फायरिंग में सेना के एक जवान के शहीद होने की खबर है। पाकिस्तान ने राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में मोर्टार से गोले दागने के साथ फायरिंग की। इसमें एक सिपाही लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए, बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। देश की कुल आबादी का एक चौथाई हिस्सा यानी 30 करोड़ लोगों में कोरोना एंटीबॉडी मिली है। यह दावा सीरोलॉजिकल सर्वे से जुड़े सूत्रों के हवाले से किया गया है। भारत में अब तक 1,80,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जो अमेरिका के अलावा दुनिया के किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और तृणमूल में सियासी उठापटक का सिलसिला जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के साले सृजन रॉय बुधवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इससे पहले सृजन 2 साल तक भाजपा के सदस्य थे। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है, जिससे वहां के लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, लेकिन मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में पारा लगातार बढ़ रहा है। पंजाब में मोहली पुलिस ने कम पढ़े लिखे व स्टडी गैप वाले युवकों से मोटी रकम लेकर उन्हें प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी और संस्थानों की फर्जी डिग्रियां मुहैया करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के छात्र कई साल में नहीं बल्कि 30 से 40 दिन में युवकों को इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, MBA, BTech, MTech की फर्जी डिग्रियां सौंप देते थे। इस गिरोह का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। एक पेड़ का आर्थिक मूल्य एक वर्ष में 74,500 होता है। पेड़ जितना भी पुराना हो, उसके मूल्य को हर साल 74,500 रुपए से गुणा किया जाना चाहिए। यह पहली बार है जब पेड़ों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने पेड़ों का मूल्यांकन किया है। भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसल कर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा, लोकतांत्रिक मूल्यों से पीछे हटने और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कार्रवाई को लेकर भारत पिछले साल की तुलना में 2 पायदान फिसला है। हालांकि भारत पड़ोसी देशों से ऊपर है। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 टीके कोविशील्ड की 1 करोड़ खुराक की आपूर्ति करने का दूसरा ऑर्डर दिया है। एक कोविशील्ड टीके की कीमत GST सहित 210 रुपए है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए MSTV के साथ। नमस्कार। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ EMS TV पर। डाउनलोड करें EMS न्यूज ऐप।